पहले कौन से फिनोमेनाज है जो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ते हैं. सो मेजर फिनोमेना टू बी स्टडी इन दिस चैप्टर आर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, थोड़ा समय अगेन आगे जाऊंगा, इसके डेफिनेशन के ऊपर आऊंगा, बस खाली मैंने बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है अपने को. सो डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, इनके ऊपर बेस्ड जो नेचर के अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे. लेकिन पहले इसका मीनिंग समझते हुए पहले एक हल्का सा आइडिया ले लो कि क्या होता है डिस्पर्जन. इफ यू नो, या अगर आपने टारगेट 95 प्लस या अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा हो तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको पता हो कि भाई प्रिज्म के अंदर हम व्हाइट लाइट मारे हैं तो भाई वो सात रंगों में डिवाइड होता है. सात रंगों के पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्या सर? यस सर, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, राइट? विबग्योर जिसको है ना, वो तुम्हारा रेनबो वाला विबग्योर. तो रेनबो का फॉर्मेशन में ये तो इन्वॉल्व है ही, बट व्हाट इज डिस्पर्शन, व्हाई इट हैपेंस, क्या है इसके पीछे की कहानी, वो हमको देखना है आगे की स्लाइड्स में आएगा. एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ वी नो रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन भाई पढ़ा है अपन ने, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है ना. लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो थोड़ा सा खाली एक पिक्चर बता दे रहा हूं कि भाई लाइट जब देखो यहां पर वाटर टू एयर में जाना चाहती है ये लाइट, तो एक्चुअली जा नहीं पा रही. एक्चुअली जा नहीं पा रही, वो क्या हो रहा है, वो बाउंस हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना. हालांकि क्या होता है, लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो बेंड होता है, रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट तो नहीं होता ना. तो क्या ऐसा सिचुएशन है, क्या ऐसा कंडीशन है जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, वो अपन पढ़ेंगे. तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है. ऑल्सो स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग तो सर बड़ा आसान है, अपन ने नाइन्थ में टिंडल इफेक्ट से नाम टिंडल इफेक्ट पढ़ा था ना. कोलॉइड्स, कोलॉइडल पार्टिकल पे लाइट फॉल करे और छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा के यहां वहां वो स्कैटर करे, उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं, है ना, तितर बितर होना लाइट का. तो यू कैन सी कि लाइट जब छोटे छोटे पार्टिकल से टकराता है तो वो यहां वहां क्या करता है, वो बिखर जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसका तो डेफिनेशन मैं यहीं पर दे दूंगा, बाकी दो अपन आगे देखेंगे. सो द फिनोमेना बाय विच बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, देखो अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गया, ठीक है, ऑन इंटरैक्टिंग विथ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम. पार्टिकल्स के साथ इंट्रैक्ट करके टकरा के वो यहां वहां स्प्रेड हो गया, उसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. तुमने नाइन्थ में टिंडल इफेक्ट जैसा चीज भी पढ़ा था इसमें, है ना. तो अभी अपन को क्या पढ़ना है सर, ये दिस इज तो इजी, मैं इसका एप्लीकेशन आगे बताऊंगा, स्कैटरिंग बस याद रखना, एप्लीकेशन आगे आएगा. बाकी पहले इन दोनों की मीनिंग को समझना जरूरी है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेट अस सी दैट. तो इसमें भी सबसे पहला तुमको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या नई बात है. सो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर ऑलरेडी. जो व्हाइट विजिबल लाइट होती है, जो सन से लाइट आ रही होती है, इट कंटेन्स सेवन कलर. ठीक है, तो यहां पर तो सर सेवन नहीं दिखा है, ठीक है, बट उसमें से काफी कलर तुमको दिखा दिए गए. तो सात रंगों में कौन सा कलर होता है. व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सेवन कलर्स, कौन से होते हैं इसमें. सो इसमें तुम्हारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सेवन कलर्स जो है, सेवन कलर्स की लाइट जो है वो ऑलरेडी होती है व्हाइट लाइट के अंदर. तो याद रखना, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, ये दिखने में तो व्हाइट है पर व्हाइट असल में क्यों है, तो ये याद रखना कि कोई भी व्हाइट लाइट जो है वो व्हाइट इसलिए है, उसके पीछे की लॉजिक ये है कि उसके अंदर रेड कलर भी है, है ना, उसके अंदर ग्रीन कलर भी है, उसके अंदर जो भी तुम यहां पर देख रहे हो ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और सब कलर की लाइट मिलके वो व्हाइट लाइट बनती है. तो ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है. इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, आई गेस तुम्हें कार्डबोर्ड या एक छोटा सा ऐसा सर्कल वाला एक ऐसा कार्डबोर्ड का पीस कट करके आप अलग अलग वो सातों कलर, मान लो यहां पर आपने एक कलर दे दिया है ना, पेंट कर दिया रेड कलर से, यहां पर पेंट कर दिया पूरा विबग्योर से, पूरा विबग्योर अलग अलग जो सेक्शन है उसको कलर कर दिया आपने, और तो ना उसमें धागा लगा के उसको घुमाया और एकदम तेजी से जब उसको हमने उसको सर्कल करते हैं तो सब कलर जो इतना फास्ट चलेगा ना वो तुमको व्हाइट दिखेगा, ठीक है. तो याद रखना कि असल में व्हाइट लाइट है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स. सर और एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है जो शायद मैं बताना मतलब चाहता हूं कि तुम यहीं पर उसको सीख समझ जाओ, ठीक है.
अब देखना कि जब मैंने कहा कि वायलेट और जब मैंने कहा, मतलब पूरा लाइन से बताया मैंने विबग्योर, कुछ तो लॉजिक होगी। तो एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ। ये जो रेड कलर है ना, इसका वेवलेंथ काफी बड़ा होता है। व्हाट इज वेवलेंथ सर? देखो, एक वेव की लेंथ। आप देख सकते हो यहां पर रेड कलर लाइट की वेवलेंथ कितनी ज्यादा है, और इसी में ब्लू कलर के लाइट की वेवलेंथ कितनी कम है। दिस इज वन वेव ना, तो वेवलेंथ कितनी कम है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा ही है कि जो ये विबग्योर लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन वेवलेंथ। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा इंडिगो की वेवलेंथ, उससे ज्यादा ब्लू की वेवलेंथ, उससे ज्यादा ग्रीन की वेवलेंथ, उससे ज्यादा येलो की वेवलेंथ, देन यू हैव ऑरेंज, देन यू हैव रेड। तो ये वेवलेंथ के अनुसार दिया हुआ है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है, बाकियों की वेवलेंथ उसके बीच में। तो ये लगभग कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो यहां पर वी आई बी, देखो वी आई बी जी वाई ओ आर है ना, विबग्योर। तो यहां पर वायलेट इंडिगो नहीं बताया गया है, इसको ब्लू में कंसिडर कर दिया गया है। बट समझना कि सबसे छोटी वेवलेंथ है वायलेट की, उसके बाद है इंडिगो की, देन यू हैव ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अनुसार है, ठीक है, ओके। तो याद रखना, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑलरेडी 7 कलर्स, ठीक है, जिसमें सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। अब आते हैं डिस्पर्जन पे। लेकिन डिस्पर्जन करने से पहले एक बात ये समझ लो ना, चलो मैं उसको थोड़ा सा पहले लेके आता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, मतलब ये क्या चीज है। तो वी नो दैट दिस इज प्रिज्म, और ये व्हाइट लाइट जो जा रही है बिकॉज इट कंटेन्स 7 कलर। अब प्रिज्म के पास वो एबिलिटी होती है कि वो 7 रंगों में उसको स्प्लिट कर देता है, 7 कलर का यहां पर स्पेक्ट्रम बना दे रहा है, ठीक है। तो और इस फेनोमिना को ही क्या बोलते हैं, दिस फेनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है सर। किसको, अगेन बताओ, वापस बताओ। सो द फेनोमिना इन विच व्हाइट लाइट गेट्स स्प्लिटेड इंटू द 7 कलर्स, इंटू इट्स 7 कंपोनेंट when it is incident on material like prism. अब मान लो कि सर ग्लास स्लैब में ऐसा क्यों नहीं होता। तो ग्लास स्लैब में मान लो व्हाइट लाइट जा रही है, ऐसे बेंड करके ऐसे निकल जाती है, ये इसमें प्रिज्म में हो रहा है। तो एक्चुअली वही ना, वो एंगल जो उसका शेप है वो रिस्पॉन्सिबल है। हर देखो अब यहां पर लॉजिक क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन बेंड हो रहा है अगर वो भी देखा जाए। सो वो वाला पैटर्न भी थोड़ा देख लो कि इट इज बेसिकली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे जो ज्यादा बेंड हो रहा है वो है वायलेट कलर, और सबसे कम जो बेंड हो रहा है, देख सकते हो, सीधा लाइट ये हो सकता था ना, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ। अगर ये सीधा जाता तो ये होता, पर सीधा नहीं जा पा रहा है। तो देखो, जो सबसे कम बेंड हो रहा है वो रेड कलर है, और जो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है दोस्तों वो कौन सा है, वायलेट कलर है। सबसे ज्यादा बेंड होने वाला वायलेट कलर है, ठीक है। तो आप देख लो, रेड का मिनिमम बेंडिंग हो रहा है और वायलेट का जो है इसका मैक्सिमम बेंडिंग हो रहा है। एक सेकंड, सी दिस, वायलेट का सबसे ज्यादा बेंडिंग हो रहा है। एक मिनट ना, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ऐसा कैसा, सी दिस। सो बेसिकली व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना, सर क्या प्रिज्म पे ही होगा क्या? नहीं, ऐसा शेप तो और भी हो सकता है सर, वाटर ड्रॉप का भी ये शेप हो सकता है। इसलिए तो यू कैन सी रेनबोज एज वेल, कि भाई वो भी शेप तो वैसे ही है। तो प्रिज्म या प्रिज्म जैसे कोई भी मटेरियल पे लाइट जब फॉल होगा, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, सर क्या होगा अगर खाली मैं रेड लाइट सेंड कर रहा हूं, खाली रेड लाइट सेंड करोगे तो रेड जैसा बेंड हो जाएगा बस, और कुछ स्प्लिट थोड़ी होगा, क्योंकि रेड लाइट इज मोनोक्रोमैटिक, एक सिंगल वेवलेंथ है। वो स्प्लिट कब होगा, जब लाइट के अंदर वो कंपोनेंट्स हैं सारे, है ना। तो हर कलर अपने अपने अनुसार बेंड होता है, अपने वेवलेंथ के अनुसार बेंड होता है। सो दिस बेंडिंग इज डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ। ये जो लाइट की वो कितना बेंड करेगा, बेंडिंग एंगल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेवलेंथ। और मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की,
और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ लैम्डा, किसका होता है, वायलेट का। तो देखो जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो सबसे कम बेंड हुआ, और जिसका सबसे कम वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ। सो इसका रिलेशन ऐसा है कि वेवलेंथ ज्यादा तो बेंडिंग कम एंड वाइस वर्सा। तो सर सरो डिफाइन तो कर दे पहले। तो डेफिनेशन तुम्हारे सामने है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ कलर्स, है ना, डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म और प्रिज्म लाइक मटेरियल इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अभी मैंने बताया कि रेनबो का फॉर्मेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब अभी मैंने एक और बात बताई कि अगर इसी प्रिज्म पे सपोज यू टेक द सेम प्रिज्म और इसके ऊपर तुम क्या करते हो, तुम व्हाइट लाइट नहीं सेंड करके कोई भी एक पर्टिकुलर लाइट सेंड करते हो, मान लो येलो कलर की लाइट सेंड करते हो, तो सर क्या ये 7 कलर में स्प्लिट होगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से। ओनली रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। कब हो रहा है? जब व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अलग अलग लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें बेंडिंग कम होगी, जिसकी वेवलेंथ जो है कम है उसकी उसमें बेंडिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्टर, ठीक है। हाँ ना बोल दो भाई फटाफट कमेंट करके। आगे देखते हैं और एक बात सर, ग्लास, अगेन वही बात पे आते हैं कि ग्लास स्लैब में क्यों नहीं हो रहा, उसका शेप है, उसके शेप की वजह से हो रहा है। अगर तुमने ग्लास स्लैब को फोड़ दिया, यहां से कट कर दिया, तो शायद हो सकता है ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिज्म। इन दैट केस में हैपन, है ना, उस केस में हो सकता है कि स्प्लिट हो जाए। तो हाँ सर, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने दो प्रिज्म ले लिया, अगर एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को क्या स्प्लिट कर रहा है, अगर तो मैं उल्टा एक और प्रिज्म ले लूं, तो क्या नहीं वो रिकम्बाइन करेगा? बिल्कुल करेगा। इट विल बी एक्टिंग एज अ ग्लास स्लैब। इसको बोलते हैं न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। जस्ट चेक दिस, दिस इज न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। जहां पर क्या हो रखा है, देखो, जहां पर यू आर टेकिंग वन प्रिज्म, उसके ऊपर व्हाइट लाइट मारा, हालांकि ये ब्लैक दिख रहा है यहां पर बैकग्राउंड की वजह से, पर ये व्हाइट लाइट समझो, व्हाइट लाइट की बीम मारी, वो स्प्लिट हुआ 7 कलर्स में, है ना, वो जो पैटर्न था उसके हिसाब से। अगेन दूसरा एक प्रिज्म हमने वैसा ही आइडेंटिकल प्रिज्म लिया, उल्टा लगा दिया वहां पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाइट वापस रिकम्बाइन हो रहा है और यहां से फिर से व्हाइट लाइट निकल रही, ऑलमोस्ट सेम एज योर ग्लास लैब। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। न्यूटन बाबा हर जगह होता है, ठीक है। आगे देखें और इस बात को समझ लीजिए यहां पर क्या क्या बात है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन की, भाई व्हाइट लाइट कंटेन 7 कलर, व्हेन इट इज हिट ऑन प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिटेड, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सर क्या लॉजिक है? डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ है, तो डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट तरीके से बेंड करते हैं। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है जैसे रेड कलर, वो सबसे कम बेंड हुआ। जिसका वेवलेंथ कम है वायलेट, सबसे ज्यादा बेंड हुआ। इट डिपेंड्स ऑन दैट फैक्ट। सर अगर हमने सिंगल कलर का लाइट लिया तो होगा क्या, स्प्लिट होगा क्या? नहीं, सिंगल कलर है तो कहां से स्प्लिट होगा? कोई भी एक रेड ऑरेंज येलो उठा लो तो वो सिर्फ क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। सर क्या ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर सकता है? दो प्रिज्म लगा दिया एक के सामने उल्टा दूसरा, न्यूटन डबल प्रिज्म इफेक्ट सेम एज ग्लास स्लैब। तो यहां पर वापस रिकॉम्बिनेशन ऑफ वो लाइट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखें अगली कहानी। सो हमने स्कैटरिंग बता दिया तुमको, हमने डिस्पर्जन बता दिया, अब देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ अमेजिंग चीज है ये, ठीक है। तो यहां पर आए देखें, व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस? तो मैं ना तुमको थोड़ा सा यहां पर एक आइडिया दे दूं कि होता क्या एग्जैक्टली। नाउ यू नो रिफ्लेक्शन, तुमको रिफ्लेक्शन क्या है पता है, राइट? रिफ्लेक्शन क्या है सर? कोई भी ऐसे ओपेक सरफेस या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस जब होता है और उसके ऊपर जब लाइट फॉल कराई जाती है, तो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, बाउंस बैक करती है, है ना। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, काइंड ऑफ, है ना, ये है। तो दिस इज रिफ्लेक्शन, पढ़ा है सर। और एक चीज तुमने पढ़ी है रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा है तुमने इन द लाइट चैप्टर। तो रिफ्रैक्शन क्या है सर? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है,
उसके पास एक टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, वो बेंड करता है उस मीडियम में, जैसे ही वो एंट्री मार रहा है वो बेंड करता है, और इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सर ये किस पे डिपेंड करता है? अरे ये डिपेंड करता है कितना बेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे अगर ये एयर टू वाटर में जा रहा है तो थोड़ा कम बेंड करेगा, एयर टू ग्लास में जा रहा है थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा, एयर टू डायमंड में जा रहा है और ज्यादा बेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स कि भाई कितना बेंड करेगा, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स। ओके, तो एक ही खेत के चट्टे बट्टे जो भी कहो तुम। तो यहां पर रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक से दूसरे मीडियम में एंटर मार रहा है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में अपन ने एक और बात पढ़ी थी सर, क्या पढ़ी थी कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हो तो वो कहां बेंड करता है। देखो लाइट यहां से आ रहा है, अब इसमें इस जगह पे परपेंडिकुलर बना लो, सो दिस इज द नॉर्मल, कहां बेंड करता है वो लाइट, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो बेंड करता है नॉर्मल की तरफ, समझ में आ रहा है। सो यहां पर अपन ने लाइट को भेजा और देखो वो कहां बेंड कर गया। देखो उसके बेंड करने के दो तरीके हो सकते थे, ना वो सीधा जाता ऐसे तो या तो वो अंदर की तरफ बेंड करता या तो वो बाहर की तरफ बेंड करता, पर वो दिख रहा है तुमको कहां बेंड हुआ है, नॉर्मल की साइड में बेंड हुआ, नॉर्मल की साइड में वो बेंड हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी के एकदम उलट, अगर लाइट जो है, मान लो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा हो तो क्या, मान लो लाइट ऐसे जा रहा हो, वाटर से एयर में निकल रहा हो तो क्या, तो यहां पर अगेन नॉर्मल बना लो, परपेंडिकुलर बना लो जगह पे, सो दिस इज द नॉर्मल। अब इतना खतरनाक नॉर्मल कौन बनाता है इस साल, तो यहां पर इसको हमने परपेंडिकुलर बना लिया ऐसे। ओके, अब लाइट कहां बेंड करेगा, सर पहले तो बताओ कि सीधा जा सकता था लेकिन नहीं गया, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। अब यहां भी दो तरीके हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो याद रखना जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए वो बाहर की तरफ फेंकता है। रेयरर टू डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर में जब जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट की ये टेंडेंसी है ना, रिफ्रैक्शन का ये तरीका है। इसके लिए मैंने तुमको याद करने के लिए एक और बताया था वर्ड कि डेंसर से रेयरर में जब जा रहा है तो अवे जा रहा है, बराबर। तो ये वर्ड याद रख लो, डी ए आर, डेंसर टू रेयरर इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डर, राइट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर ये तो ठीक है, ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, पर इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। एक्चुअली दिस इज स्पेशल केस ऑफ, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन में ही तुमको ये एक स्पेशल केस में देखने को मिलेगा। कौन से वाले केस में देखने को मिलेगा, तो देखना जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, बिकॉज नाउ व्हाट विल हैपन, देखो एक चीज देखो, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो व्हाट कैन हैपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख सकते हो यहां पर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप देख सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर में। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा 90 हो चुका होगा, है ना, ये इतना आके इधर तक आ चुका होगा। तो अगर इस वाले एंगल पे, इफ एट दिस एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, तो इससे ज्यादा वाले एंगल पे क्या होगा, यानी एक लेजर बीम को तुम यहां से मार रहे हो तो इधर से निकला, यहां से मार रहे हो तो इधर से निकला, अब जब तुमने उसको यहां से सेंड किया तो कहां से निकलेगा सर, ऐसा थोड़ी होएगा सर। लाइट अगर यहां से जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 90 वाला चीज तो आ गया, मतलब इस वाले पे ये ऑलरेडी ऐसे चला गया, तो ये वाले एंगल पे लाइट जब यहां से भेजोगे तो कहां जाएगा, एक्चुअली वो बाउंस बैक करेगा, और यानी क्या करने लगा, वो रिफ्लेक्शन दिखाने लगा, ठीक है। इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, आओ थोड़ा सा प्यार से समझें इसको, ठीक है। तो
मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं क्या इसका? द फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्शन राइट, सो फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्राइज टू एंटर, क्योंकि एंटर तो कर नहीं पाया वो तो बाउंस बैक हो गया, सो व्हेन इट टेंड्स टू एंटर, थोड़ा अंग्रेजी लिखेंगे, टेंड्स टू एंटर कहां से कहां, रेयरर टू डेंसर में होगा क्या? नहीं, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, है ना, इज कॉल्ड। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, देखो क्या, अब मान लो, मान ही सकते हैं सर, मना लो, तो यहां पर यू हैव सपोज रेयरर मीडियम है ऊपर और नीचे क्या है अपने पास, डेंसर मीडियम है, सही है सर। अब लाइट को अपन ने क्या किया, लाइट को अब दिस इज द नॉर्मल सपोज, ये है नॉर्मल, ओके, और यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर लाइट जो है वो सपोज हमने ये एंगल पे सेंड किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऐसे है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ओके। अब हमने क्या किया, लाइट को थोड़ा सा और है ना, मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करूंगा कि ताकि तुमको समझ आए, तो नाउ दिस इज, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा ये रहा, सपोज दिस इज आई वन, दिस इज आर वन, ठीक है, आई वन के लिए आर वन। अब मैं लाइट को और ज्यादा एंगल पे सेंड कर रहा हूं, ठीक है, सो दिस इज योर आई टू, ये और ज्यादा बेंड हुआ, दिस इज योर आर टू। अब देखो कि इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमने लिया, अगर इससे ज्यादा एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे मिला, जब सो एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट आई कैन सी इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत देखो लगभग लाइट यहां से निकल गया, सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नाउ कितना, 90 डिग्री, यू कैन जस्ट चेक दैट। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा 90 आ रहा है, तो उसका वाला करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इससे ज्यादा तो अब ये रिफ्रैक्ट नहीं हो पा रहा, क्रिटिकल एंगल आ चुका है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इससे भी ज्यादा वाला अगर बेंडिंग अगर चाहिए होगा, तो ये इफ कलर से खत्म हो गए सर, ठीक है। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं, अब इफ आई एम टेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इवन ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी अगर मैंने ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, क्योंकि ऑलरेडी 90 तो आ चुका था, पर अब क्या होगा, अब लाइट इधर से इधर तक तो आया ना, अब अंदर आ जाएगा, सिंपल है, और अंदर आ गया। सो बेसिकली नाउ इट इज शोइंग व्हाट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज शोइंग इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्यों ना सर यहां से क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन कर ही ले, कर लो यार, क्या दिक्कत है। सो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है सर, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, ठीक है, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका मुझे था इंतजार, है ना, इसलिए करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, मैं लिखता हूं जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ऐसे वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ही अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, नॉर्मली सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, मैं सी ए लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं डिफाइन करने में मैं उसको ले आता हूं कि यहां पर दो कंडीशन, असल में दो शर्तें हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के, दो कंडीशंस, इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए
दो जरूरी कंडीशंस, जरूरी कंडीशंस। तो इतना जरूरी कैसे हुआ? पहला है द एंगल ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो अब आओ इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, काहे को छोड़ेंगे। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, देखो सिर्फ इस ग्रीन वाले पे ध्यान लगाओ, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना, इसलिए हम उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, नॉट रिफ्लेक्शन। सो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट टेंड्स टू एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एक कंडीशन तो लगा दिया मैंने, दूसरा लगा दो विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विद एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than critical angle। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो ऐसे में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इन दैट केस क्या होने वाला है, तुम्हारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब यहां पर मैंने तुमको स्कैटरिंग बता दिया, यहां पर अपन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ लिया, अब आते हैं दिस इज ऑल्सो डन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी इन्हीं का ना अप्लीकेशन देखेंगे चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है, रीजंस है। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन के जो रीजंस है वो समझेंगे हम। तो यस, नाउ यू कैन सी, जस्ट चेक कि भाई क्या हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर, एक सेकेंड। ओके, तो जस्ट चेक, नॉर्मल ड्रॉ करते जाओ, सब जगह मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर बनाते जाओ, जस्ट चेक व्हाट हैपेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक पॉइंट से ज्यादा, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आया जब ये 90 डिग्री हो गया, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होने लगा, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाने लगा। ठीक है, सो अपने को क्या करना, लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजना है, और दूसरा काम क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज्यादा कर देना है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए और वो इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लगे, रिफ्रैक्शन को भूल जाए। ठीक है, अब यहां पर आते हैं एक, मतलब नाउ वी स्टार्टिंग विद द रीजंस। पहला है कि भैया ये प्यारे प्यारे रेनबोज जो है कैसे फॉर्म होते हैं, तो मैं यहां पर और एक बात बताऊंगा। देखो रेनबो दो दिख रहा है, दो शेड दिख रहे हैं, एक थोड़ा हल्का है, एक थोड़ा ब्राइट है, और कलर्स भी इन्वर्टेड, यहां ऊपर रेड है, इसमें नीचे रेड है, क्या ये कुछ त्रुटि है? बट अपने को जो पढ़ना है पहले वो बता दूं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, बस ये ऐसे फॉर्म होता है सर, खत्म। तो एक्चुअली प्रिज्म की कहानी याद कर लो, तो प्रिज्म में क्या होता था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता था, बराबर ना, मतलब उस पर क्या हुआ, व्हाइट लाइट फॉल हुई, और ये जो व्हाइट लाइट है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सात कलर्स होते हैं, इट गेट्स व्हाट, इट गेट्स पिटेड। कैसा सर, ऐसा जितने भी कलर है उसके अंदर वो सब क्या हो जाएंगे, ऐसा स्प्लिट करेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। तो रेनबो में सर वही होता है, देखो यहाँ पर कि ये सूरज से किरणें आ रही हैं, तो ये हो गया तुम्हारा सुन साहिबा। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, पानी की बूंदों पे, इतनी बड़ी बूंद ऐसे हर ड्रॉप पे हो रही होगी, तो पानी की बूंदों पे वो फॉल हो रही है, इट इज गेटिंग स्प्लिटेड इन योर सात कलर्स। ठीक है, बिकॉज इट ऑलरेडी कंटेन सात कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या हुआ एग्जैक्टली इधर, हैं जी क्या हुआ इधर, इधर हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, डिस्पर्जन हुआ, पर सर एक और चीज देखने को मिल रही है कि लाइट जो है यहां पर, लाइट बाहर निकल जाता है यार, एक से वाटर से एयर में क्यों नहीं निकल सकता? तो सर रेनबो रोज थोड़ी बनता है, रेनबो रोज थोड़ी बनता है, एक सिंपल सी बात समझो कि हर जगह पे क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट ना करके वो इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रही है। कारण क्या है सर, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस टाइम हैज बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और इसलिए वो रिफ्रैक्ट करने, नहीं तो रोज रोज रेनबो बनता ना, क्यों बनता है स्पेशल डेज पे, क्योंकि जब ये सूरज की लाइट ऐसे एंगल पे पानी के ड्रॉप से टकरा रही है, जब ये तो हुआ ही, साथ में इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ, और इसकी वजह से जो भी सात कलर स्प्लिट हुए थे वो अंदर बूंद के अंदर से ही इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर। तो ये पहला फिनोमेना, ये दूसरा फिनोमेना हुआ, और यहाँ पर ये बाउंस करके आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट भी हुआ, यू कैन जस्ट सी नॉर्मल रिफ्रैक्शन भी हुआ है।
हालांकि वो भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है, बट रिफ्रैक्शन भी हुआ है तीसरा, ठीक है। एंड इसके बाद तुम्हारे पास जो देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट यू कैन सी इज योर, सर ये क्या है, ये आँखें हैं भैया, आँखें हैं, क्या कहती हैं तेरी आँखें। ओके सो ये रेड, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और दिख रहा है प्यारा प्यारा रेनबो, ठीक है। तो ये रेनबो के अंदर डिस्पर्शन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। पर मैंने एक चीज़ बताई कि क्या है कि सर रेनबो में ये ऊपर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न उल्टा है, ऐसा कैसा होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, पहले तो आप देख लो एक बात और कि रेनबो फॉर्मेशन की सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि सन ये तुम्हारे पीछे है, बारिश की बूंदे ये तुम्हारे आगे है, तो लाइट ऐसे जा रही है, पानी से टकरा रही है और तुमको दिखाई दे रही है, ये सामने अभी जस्ट सो रेनबो फॉर्म हो रहा है। इसके बाद सर दो टाइप का क्यों दिख रहा था वो, भाई दो टाइप की रेनबो होती है, एक में क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है और तुमको वो दिख रहा होता है, जिसमें रेड ऊपर होता है और वायलेट नीचे, सो दैट इज प्राइमरी रेनबो। उसमें ऊपर की तरफ जो होता है जो फेंट रहता है, दैट इज सेकेंडरी, जहां पर दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, देखो लाइट ऐसे गई इधर टकराई इधर और फिर ऐसे आई, दैट इज सेकेंडरी रेनबो। दोनों की एंगल्स डिफरेंट होती है हमारी आंखों की, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है रेनबो की। और अब आते हैं अपने प्यारे प्यारे सवालों के ऊपर और ज्यादा, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, स्काई ब्लू काहे दिखता है, ब्लू कलर, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। अभी अपन ने बताया या अभी तुमको मैंने सात रंगों की कहानी बताई है कि जो ब्लू होता है ब्लू की वेवलेंथ छोटी होती है, और जो रेड कलर होता है रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है, ठीक है। तो जब एटमोसफियर के पार्टिकल्स जो होते हैं, मान लो ये क्या है, हमारे धरती के ऊपर जो भी हवा है, जो भी वायुमंडल है, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फियर है उसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उस पर जब ये लाइट आ रही है, बेसिकली लाइट कौन सी आ रही है, सनलाइट आ रही है भाई, वो तो व्हाइट कलर की होती है ना, तो ये सनलाइट आ रही है, व्हाइट कलर की होती है सर, लेकिन मैंने बताया ना व्हाइट कलर में तो यार पूरा सब कलर है, इसमें बड़े वेवलेंथ वाले रेड कलर भी हैं और इसमें छोटे वेवलेंथ वाले ब्लू कलर भी हैं। और एक बात याद रखना कि जो ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं ना, ये टाइनी होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, और ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ छोटे रेस को ही रोक पाते हैं। तो यानी ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ब्लू कलर को तो स्कैटर कर देंगे, रोक देंगे, यहाँ वहाँ फैला देंगे, तितर बितर कर देंगे, पर रेड कलर जिसका वेवलेंथ इतना ज़्यादा है वो इन छोटे पार्टिकल से डिस्टर्ब नहीं हो पाता और वो आराम से ट्रेवल करता हुआ आता है, ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करता हुआ आता है। सो बेसिकली ब्लू लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स के साथ स्कैटर हो पा रही है, ब्लू लाइट आर इजीली स्कैटर्ड by tiny particles but not red light, red light नहीं कर पाता है, मतलब वो बच जाता है भाई, वो बड़ा है, बड़े लोगों को रोक नहीं पाता ना, रोकते नहीं, ये scatter हो गया। और बस यही कारण है कि क्या हो रहा है कि जब sun का light आ रहा है हमारे earth की atmosphere, ये atmosphere है earth है हमारा, तो ये पूरा ही होगा वैसे, ठीक है थोड़ा सा ऐसा। तो क्या हो रहा है कि जो रेड कलर है, जो बड़ी वेवलेंथ है, सर ब्लू और रेड ही क्यों बता रहे हो, और भी है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो देखो आपको एक बात बता दूं, VIBGYOR, तो ये लगभग ये कैटेगरी जो है ना इधर वाली, ये बड़े वेवलेंथ वाले में आती है, ठीक है, और जो ये कैटेगरी सब ब्लू में आती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब ब्लू कैटेगरी में, सब छोटे वेवलेंथ वाले में, ठीक है। तो मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ एज रेड, जिसमें ऑरेंज येलो भी आ रहा है, मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ एज ब्लू, ये सब शॉर्टर वाले आ गए, तो ये वाले स्कैटर होते हैं, ये नहीं होते, इस वजह से जो बड़े वेवलेंथ है वो आराम से हम तक पहुंच पा रहे हैं, जो छोटे वेवलेंथ ब्लू कलर है वो आसमान में ही इधर उधर स्कैटर हो गए, पूरे आसमान में तितर बितर होके दिख रहा है। देखो यहाँ पर पूरे आसमान में जो कलर है, एक मिनट मैं इसको हटाऊं, यू कैन सी दैट द ब्लू कलर स्कैटर्ड इन द स्काई, एंड इस वजह से
जो तुम्हारा आसमान है वो क्या दिख रहा है, वो ब्लू कलर का दिखता है। सर अगर हम मान लो कि हम मून पे गए तो मून पर भी, मून से भी स्काई जो है ब्लू दिख रहा होगा क्या? नहीं, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्कैटरिंग नाम की चीज नहीं होगी, तो डार्क दिखेगा पूरा। एस्ट्रोनॉट्स को भी द स्काई विल बी लुकिंग डार्क। ठीक है, ओके ग्रेट। अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले वाले सवाल में। व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज सनसेट? सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो है वो इतना लालम लाल क्यों दिख रहा होता है? तो उसका कारण समझते हैं भाई साहब। सिंपल सिंपल, सनराइज और सनसेट के टाइम पे होता यूं है कि ये मान लो अपना अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, और जब सनसेट या सनराइज इस तरह से हो रहा होगा तो यहां पर देखो लाइट कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो लगभग सेम ट्रेवल कर रहा है, पर देखो एटमॉस्फेयर का कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। सो जस्ट चेक दैट। इधर पे इतना एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, और इधर जब ओवरहेड सन है दोपहर के 12 बजे के आसपास है ना, दोपहर के टाइम पे, तो वो इतना ही डिस्टेंस एटमॉस्फेयर का वो ट्रेवल कर रहा है। अब सिंपल बात है कि ये जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग मतलब लाइट का स्प्रेड होना, सोचो अगर एटमॉस्फेयर की लेयर ज्यादा होगी तो लाइट उतना ज्यादा उसमें से ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी, छन जाएगी, तो आसमान उतना ही नीला और सन उतना ही लाल, सन के आसपास का भी उतना ही लाल दिख रहा होगा। सो ड्यूरिंग सनराइज सनसेट होता क्या है कि क्योंकि लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, उतना ही ज्यादा ब्लू कलर की लाइट निकल जा रही है और रेड कलर की लाइट तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दोपहर का टाइम, उस टाइम पे ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती, उतना ब्लू लाइट फिल्टर आउट नहीं हो पाया। जस्ट चेक दिस, ठीक है। सो दिस इज ड्यूरिंग दोपहर का टाइम, पूरा व्हाइट कलर आ रहा है जिसमें रेड भी है ब्लू भी है, ठीक है, इसमें इतना स्कैटरिंग नहीं हो पाया क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है लाइट। किसका डिस्टेंस? एटमॉस्फेयर का, बाहर का जो भी इसे मतलब नहीं है। यहां पर देखो जब सनराइज सनसेट की टाइम है उस टाइम पे लाइट ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर का पार करते हुए तुम तक पहुंच रही है, इसके वजह से ब्लू लाइट उतना ज्यादा छन जाता है, उतना ज्यादा पार्टिकल से वो इंटरेक्ट कर रहा है ना, उतना कोलाइड करके बाहर निकल जा रहा है, उतना स्कैटर होके तो ब्लू लाइट उतनी निकल गई और तुम तक, तुम्हारी आंखों तक रेड कलर पहुंचा, सन अपीयर्स रेड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट सर। आगे देखें, और Why danger signals are usually represented by red color? कोई भी warning का signal हो, danger का signal हो, या तुम्हारे गाड़ियों के पीछे जो brake lights होती है, जो मतलब normally traffic लगा या कुछ fog है ऐसे time पे क्या होता है, वो light का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है भाई, fog है उस time पे तो आगे की गाड़ी दिखेगी नहीं, तो ये पीछे का जो brake light है कितना भी luxurious गाड़ी हो वो red color ही होता है, आगे का light भले कुछ भी कर दे पर पीछे का light red color। क्या कारण है? ठीक है, कारण यह है कि भाई रेड कलर में कुछ तो ऐसा खास है कि भाई उसको यूज किया जाता है ताकि लोगों की आंखें उसको पकड़ पाए दूर से भी, तो आप ये समझना कि रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। कारण क्या है कि सपोज अगर ये वाला चीज ब्लू कलर में बना होता, यही सेम चीज डैंजर, यही खोपड़ी, ठीक है, यही हड्डी है, ब्लू कलर में बनी होती, तो क्या होता? अरे शॉर्टर वेवलेंथ है यार, पार्टिकल से टकराएगा यार, और क्या हो जाएगा? पार्टिकल से टकराएगा और यहां वहां स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, यहां वहां स्कैटर हो जाएगा और ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि पार्टिकल से स्कैटर होके इधर उधर निकल गया, ठीक है, तो वो दिख ही नहीं पाएगा ना दूर तक, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक। पर ये लॉन्ग डिस्टेंस तक क्यों दिखेगा? बिकॉज बड़ा वेवलेंथ है सर रेड कलर का लाइट, तो ये बहुत कम स्कैटरिंग होगी, पार्टिकल से बहुत कम टकराएगा। खासकर ये कब काम आने वाला है? जब कोहरा है ना, धुआं, धुंध, ठीक है, फॉग, ऐसी कोई चीज होती है तो उस टाइम पे तुमको दूर तक विजिबिलिटी की इशू आएगी जब ऐसे कलर्स होंगे। इसलिए गाड़ियों का पीछे का जो लाइट होता है ब्रेक दबाने पे जो जलता है वो लाइट, या डेंजर का जो सिग्नल है, इट इज टेकन एज रेड इन कलर। सर स्कूल बस का कलर येलो क्यों होता है? अगेन जो लोगों ने नहीं पता गूगल मारो, मुझे कमेंट पे बताओ, व्हाई स्कूल बस का कलर इज येलो इन कलर, मतलब स्कूल बस जो है वो येलो कलर का क्यों होता है? ठीक है, आगे देखते हैं। चलो,
Why do celestial body appear slightly raised from their actual position? Due to atmospheric refraction, मैंने बता दिया है, पर क्या है ये एटमोसफियर का रिफ्रैक्शन, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ठीक है कि कोई भी चीज, कोई भी आसमानी चीज अपनी पोजीशन से थोड़ी ऊपर दिखती है। अपने ये तो पढ़ा है ना कि अगर एक बाल्टी में, बकेट में मान लो एक मतलब पानी है उसमें और एक कॉइन है जो उसमें है, तो एक्चुअली वो उस जगह से थोड़ी सी रेज्ड दिखाई पड़ती है। मतलब वो है तो इधर, पर तुमको देखने वालों को ये यहाँ पर दिख रहा है। काहे, व्हाई इट इज अपीयरिंग रेज्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन? सो इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो हमने पढ़ा है। सेम विद दिस कैसे, क्या होता है ना, अपना जो अर्थ है, एक सेकेंड, अपना जो अर्थ है उसके पास वाली जो हवा है ना, पास वाली जो हवा है ना, वो कैसी रहती है? वो ठंडी हवा होती है। क्यों सर? अरे डेंसिटी कम है, भारी हवा, ठंडी हवा इज भारी हवा, नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है, तो ये कूल, कोल्ड एयर, जिसकी डेंसिटी कम बोला मैंने, नहीं डेंसिटी ज्यादा होगी ना, हाई डेंसिटी वाला, भारी भारी चीज कोई भी नीचे रहती है। और जो हवा गर्म हो चुकी है, जो वार्म एयर है, वो कहां पर रहता है? वो ऊपर की तरफ रहता है। तो ऊपर की तरफ होता है वार्म एयर। ऊपर क्यों चला गया वो? क्योंकि वो हल्का था इसलिए ऊपर गया ना। ठीक है, डेंसिटी कम थी। तो आप समझो कि ऊपर की तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में, ऊपर की तरफ रेयरर मीडियम हो जाता है, नीचे की तरफ डेंसर मीडियम। और सिर्फ दो ही लेयर थोड़ी बनेगी, जितनी गर्म, ज्यादा गर्म हवा रहेगी उतनी ऊपर जाएगी। तो यू हैव सो मेनी लेयर्स। तो लाइट हमेशा कहां से कहां एंटर कर रही है? फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एंड यू नो की वेयर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट जो है वो लगातार क्या हो रही होगी अलग अलग लेयर में? इट माइट बी बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसी बेंड कर रहा होगा, जिस वजह से जो चीज यहां दिखनी चाहिए वो एक्चुअली यहां दिख रही होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अर्थ, ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स, और लाइट कहां बेंड करता, जरा देखो ये मान लो ये मैंने नॉर्मल बना दिया, तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, और उसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, पर वो कहां दिख रहा है, कहां दिखाई पड़ रहा है? यहां पर। तो दिस इज द अपेरेंट पोजीशन। तो जहां पर वो है उससे थोड़ा ऊपर दिख रहा है। सिर्फ स्टार ही थोड़ी ऐसा होगा, कोई भी आसमान की चीज, कोई प्लैनेट हो, सन हो, हर चीज जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ रही होगी, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर का ये कहानी। ठीक है, ऊपर क्या होता है? ऊपर रहता है रेयरर मीडियम, और जितना नीचे जाओगे उतना क्या है? डेंसर मीडियम। सो लाइट इज कॉन्स्टेंटली एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, हेंस इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो अपनी ट्रू पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ रही। सो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, दिस इज अपेयर पोजीशन। अब ये जो मैं दिखाना चाहता हूं ना, ये कुछ और है एक्चुअली, ये सन है सर, और ये होराइजन, होराइजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो क्षितिज रेखा कौन सी होती है? जहां तक तुम्हारी आंखें स्काई देख सकती है, आसमान। मान लो तुम ऊपर बाहर हो, टेरेस पे हो, तुम आसमान देख पा रहे हो, और एकदम ऐसे होते हुए जाओ और आसमान को देखते जाओ इधर इधर इधर, फिर एक पॉइंट पे आसमान खत्म हो जाएगा, धरती या समुद्र कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम एकदम खाली खेत खलिहान के में हो, एकदम फ्लैट लैंड पे हो, और उस फ्लैट लैंड पे अगर तुम आसमान देख रहे हो और फिर धीरे धीरे करके आप नीचे की तरफ देखते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे आसमान खत्म हो गया, स्काई खत्म हो गया और लैंड शुरू हो गया। तो वो जो लाइन है ना, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसी को हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, वेयर दैट आसमान एंड दैट धरती, अगर तुम समुद्र किनारे हो तो आसमान या और पानी जहां मिल रही है, तो वो जो रेखा है दैट इज होराइजन। तो वो ये जो इफेक्ट है ना, बहुत मजेदार दिखेगा जब तुम समुद्र किनारे हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि पानी के अंदर से सूरज जो है वो सनराइज हो रहा है। तो ऐसा जब हो रहा है तो तुम लॉजिकली सोचो कि जब तुमको सन दिखना शुरू हो गया सुबह, सपोज 6:37 को तुमको सन दिखना शुरू हो गया, तो क्या एक्चुअल सनराइज हो चुका है? क्या एक्चुअल सनराइज हो चुका है? नहीं, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। सोचो कि कोई भी चीज जहां पे है उससे थोड़ी ऊपर दिख रही है, इसका मतलब वो सन जो है वो अभी निकला नहीं है। हमको क्यों दिखने लगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
अभी भी होराइजन के नीचे ही है, ऊपर क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, तो सनराइज होने से दो मिनट, दैट टाइम इज टू मिनट, दो मिनट पहले ही हमको सन दिखना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और सेम विद दैट, कि यही चीज जब जब सनसेट होगा तब भी यही होगा कि होराइजन लाइन से नीचे चला तो गया पर अभी भी काहे दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सेम इफेक्ट. कोई भी चीज अपनी जगह से थोड़ी सी ऊपर दिख रही होती है, तो एक्चुअल सनसेट के दो मिनट बाद तक हमको सन दिख रहा होता है. मतलब सनरेज दिखने का जो सिलसिला है वो क्या है, दो मिनट एडवांस में ही सनराइज हो गया और दो मिनट डिले, मतलब सनसेट होने के बाद भी दो मिनट तक हमको दिख रहा था. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब दो मिनट पहले दिखा यानी दो मिनट पहले ज्यादा हमको सनराइज यहाँ सन का रेज मिला और यहाँ भी दो मिनट ज्यादा मिला, तो एक्चुअली हमको चार मिनट ज्यादा सनरेज मिल रहा होता है. टू मिनट अर्ली सनराइज, टू मिनट डिलेड सनसेट. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सनराइज हुआ नहीं है पर फिर भी क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सनसेट हो चुका है पर फिर भी क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊंगा यहाँ पर, गेट टू नो दैट. What is the reason behind 2 minute early sunrise, 2 minute delayed sunset? So it is because of sunrise. देखो इसमें यहाँ पे दिखा है सनराइज, ये horizon से ऊपर आएगा तो दिखता, पर actually वो पहले क्यों दिख रहा है? Because light bend करके आ रही है हम तक, तो we are feeling कि यहाँ sunrise हो चुका है पर actually sunrise नहीं हुआ था, 2 minute पहले से दिख रहा था हमको sun. ठीक है, sunset होने के बाद भी sun क्यों दिख रहा है? Because कि भाई light bend होके आती है इसलिए ऊपर दिख रहा है. ओके, उसका मैंने वर्ड मीनिंग, जब तुमको आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे? सो इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. व्हेन सन इज स्लाइटली बिलो द होराइजन, द लाइट कमिंग फ्रॉम इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस और लेस डेंस टू मोर डेंस एयर एंड इट इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड्स. क्या नाम लिख सकते हो अपने हिसाब से, टेक्स्ट बुक में दिया हो. अच्छा, एक बहुत जबरदस्त एक और रीजनिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स जो है वो ऐसे ब्लिंक क्यों करते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, है ना? तो क्यों करते हैं ट्विंकल, देखना पड़ेगा. तो यार देखते हैं, चलो यहां पर देखो. अब होता यूं है, मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स है, तो स्टार जहां पर है उससे वो थोड़ा बेंड जो है दिख रहा है, मतलब एक्चुअली वो यहां दिख रहा है. ठीक है ना सर, फिर ट्विंकल क्यों करता है? अब तुम ये बताओ कि क्या ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, क्या ये कांच का लेयर है कि वो जैसा है वैसे ही स्टिल रहेगा? नहीं, है ना. अरे हवा कभी गर्म ठंडी हवा, ये मूव कर रही है ना, ये मीडियम मूव कर रहा है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से फिक्स हो जाएगी? इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हवा गर्म ठंडा टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि कभी वो ज्यादा बेंड हो रहा है. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंड हो रहा है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो कम बेंड हो रहा है, और ये लगातार तेजी से हो रहा होता है चेंज. तो इसलिए क्या होगा, लाइट कभी ज्यादा बेंड हुई कभी कम बेंड हुई, इसलिए वो एकदम तितर बितर होते होते एक ही. देखो स्टार जो है ना, हालांकि बहुत बड़ा है, उसकी खुद की सोर्स होती है लाइट की, बहुत ब्राइट होता है, पर फिर भी हमको छोटा सा एक अगरबत्ती के टिप की तरह क्यों दिख रहा होता है? बिकॉज कि वो बहुत दूर होता है. सो स्टार अपीयर एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इट अपीयर्स एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. व्हाई? बिकॉज इट इज फार अवे. तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक छोटा सा लाइट का बिंदु, तो उधर से लाइट कैसे आ रहा है, एक रे की तरह, सिंगल रे आ रहा है. अब वो सिंगल रे इतने मूव करते हुए हवा में, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलती जा रही लगातार, इसमें क्या होगा, सिंगल रे वो ऐसे बेंड कर रहा है कभी ऐसे बेंड कर रहा है, इतना बेंड होने के चक्कर में हमारी आंखों को वो ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है. कभी ब्राइट हो गया एकदम अच्छे से दिखने लगा, कभी नहीं दिख रहा है, सो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट हमको दिख रहा होता है, वो ब्लिंकिंग इफेक्ट दिख रहा होता है. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस. Why do stars twinkle? The Earth's atmosphere is moving pocket of cold and warm air. तो कभी ऐसे बेंड हुआ कभी ऐसे बेंड हुआ, और इस वजह से वो कभी आंखों में दिख रहा है कभी ओझल हो गया आंखों से, इसलिए it produces that twinkling effect. ठीक है, तो कुछ ऐसा है. अच्छा, इसमें भी होता है कि कुछ स्टार जो है वो इतने ट्विंकल नहीं कर रहे, काफी ब्राइट दिख रहे हैं. भाई वो पास का है ना, तो जो नजदीक वाला है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है. जैसे अभी अपने वो देखा था दोपहर के टाइम, तो एकदम जो ओवरहेड स्टार्स है उसमें ज़्यादा ट्विंकलिंग इफेक्ट ओवरहेड वाले में कम ही दिखेगा, साइड वाले में ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट कम है और इस वजह से रेज में ज़्यादा बेंडिंग नहीं है. इसमें क्या, एक लगातार इधर उधर फ्लिकरिंग हो रही है.
ठीक है, तो ये ज्यादा ट्विंकल करते हुए दिखेंगे जो लॉन्गर पाथ एटमॉस्फेयर का कवर करते हुए उसके रेज आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट कि व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? तो इसमें क्या है कि प्लैनेट्स, अरे स्टार्स से तो बहुत छोटे हैं ना सर प्लैनेट्स, वो तो करने चाहिए थे, बट प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ, हालांकि उसकी खुद की लाइट भी नहीं होती, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हमारे लिए उससे मतलब नहीं है, वो तो क्यों ब्राइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा, ठीक है, बट इट अपीयर्स एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स, स्टार इतना दूर था इसलिए छोटा दिख रहा था, प्लैनेट बड़ा क्यों दिख रहा, पास है, सो इट अपीयर्स एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, और एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब उससे एक रे नहीं आ रहा है, बंच ऑफ रेज आ रहे हैं, मतलब 100, 150, 1000 रेज आ रहे हैं उसमें से, तो अगर वो फ्लिकरिंग इफेक्ट हुआ भी इतना बंच है कि वो एक्चुअली वो इफेक्ट को नलीफाई कर देगा वो, सो सिंस इट इट अपीयर्स एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बोलना ये है कि इट इज क्लोज टू अर्थ सो इट अपीयर्स एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, अब उसका जो बंच ऑफ लाइट है देखो यहाँ पर, सिंस प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस दे अपीयर मच बिगर एंड द लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट, है ना, सो बहुत सारे रेज आ रहे हैं, डिमिंग इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट इज नलीफाइड बाय ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ अदर, तो अगर मान लो कि इसमें समझो कि ये 50 स्टार से बना हुआ है, अगर इसका 25 स्टार डिमिंग इफेक्ट दे भी रहा है तो अगला 25 स्टार से जो रे आ रहा है वो उसको नलीफाई कर देगा, वो ब्राइट इफेक्ट दे देगा, तो इसलिए वो ब्लिंक करता हुआ या फ्लिकर करता हुआ नहीं दिखेगा, हेंस प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त, इसमें बहुत सारे रीजंस बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आ सकते हैं, तो आपको तैयारी करनी है, ठीक है, उसी तरीके से, एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे ख्याल से टर्म वन जो है वो अपन का दबंग में हो चुका है, अब वो ट्रिकी क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो चल रहा है, जाके देखो 2 वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी और आते रहेंगे, थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।